हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर और उस नए चैप्टर का नाम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। बच्चों, इस चैप्टर को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CAA, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये चैप्टर क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए बच्चों, बहुत बार ना कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि सिक बन जाती हैं, ऐसी कंपनीज जो कि लॉस में चल रही हैं, ऐसी कंपनीज जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, उनके पास में पैसे की कमी है, वो लॉस में चल रही हैं, वो सिक कंपनीज हैं। बच्चों, वो कंपनीज अब सिक बन चुकी हैं, उनके पास में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उनके अंदर हो सकता है कि वो वाइंड अप की स्टेज पर आ जाए, हो सकता है कि वो बंद होने पर आ जाए। और कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी बंद होती है ना स्टूडेंट्स, तो कितने सारे एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और अभी तक वो जो मार्केट में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे थे वो अब नहीं दे सकते। तो अगर कोई भी कंपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि सिक कंपनी है, जिसके अंदर पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, और वो हो सकता है शायद वाइंड अप की स्टेज पर आ जाए, शायद वो लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए, तो इससे अच्छा है ना उस कंपनी को अगर हम किसी ना किसी स्कीम के थ्रू अगर हम उसे किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर मर्ज कर दें। सपोज करो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है एयरसेल कंपनी, और एयरसेल कंपनी बहुत ही ज्यादा सिक है और वाइंड अप की स्टेज पर पहुंच चुकी है। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई कंपनी बंद हो जाए, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस एयरसेल कंपनी को किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर मर्ज कर दिया जाए। इस एयरसेल कंपनी की असेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट लॉसेस, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, सब कुछ उस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के बन जाएंगे। लेकिन ये कंपनी बंद तो नहीं होगी ना, इसके एम्प्लॉयज अब नई कंपनी जिसके अंदर ये मर्ज हो रही है उसके एम्प्लॉयज बन जाएंगे, वहां पर उनको जॉब मिल जाएगी। तो बंद होने से तो अच्छा है कि ये कंपनी किसी प्रॉफिट मेकिंग के अंदर मर्ज हो जाए, किसी के अंदर अमलगमेट हो जाए। हमने एयरटेल से बात करी कि भैया, एयरटेल एक कंपनी है जिसका नाम है एयरसेल, बड़ी ही लॉस में चल रही है, क्या आप उसको अपने अंदर मर्ज कर लोगे, क्या आप उसको अमलगमेट कर लोगे? एयरटेल बोला मैं कर लूंगा। तो बच्चे, ये हो गया मर्जर, ये हो गया अमलगमेशन, समझ लो मेरी बात को। एक कंपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जो सिक कंपनी थी, जो बंद होने की स्टेज पर पहुंचने वाली थी, जो कि बंद हो सकती थी, वो बंद नहीं हुई क्योंकि हमने कोई स्कीम बनाकर और उसको किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एयरटेल कंपनी में मर्ज कर दिया। बच्चों, अब मैंने आपको ये सिंपल सी बात बता दी कि ऐसा अगर हो जाए, एयरसेल एयरटेल के अंदर मिल जाए तो वो मर्ज हो जाएगी, अमलगमेट हो जाएगी। पर वो होगी कैसे? कुछ तो लीगल कंडीशंस होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बस एयरसेल ने बोला मुझे मर्ज कर लो, एयरटेल ने बोला आ जाओ, चलो हो गया काम, ऐसे थोड़ी ना, टॉफी थोड़ी खरीद रहे हो दुकान पे जाकर। भाई कुछ तो लीगल रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस होते होंगे ना, तो वही लीगल रूल्स, टर्म्स, कंडीशन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। हमें इस चैप्टर के अंदर यह पढ़ना है कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है तो क्या क्या लीगल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कैसे वो मर्ज हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं दूसरा बोलूं, ये तो मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में मर्जर के बारे में, अमलगमेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके लीगल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ते हैं मर्जर के लिए, पहली बात समझ में आई। दूसरा, हम इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्रोमाइज के बारे में भी पढ़ेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करना है तो कैसे होता है, अरेंजमेंट करना है तो कैसे होता है।
अब ये सब क्या होता है समझिए, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में है, हमें क्या पढ़ना होता है इस चैप्टर के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लॉस में चल रही है, हम नहीं चाहते वो बंद हो जाए, हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी दूसरी कंपनी के पास जाएं, हम एयरटेल के पास जाएं, हम टाटा के पास जाएं, हम रिलायंस के पास जाएं, हम फलानी ढीकनी कंपनी में चले जाएं कि साहब इसको मर्ज कर लो वरना ये बंद हो जाएगी। कोई कंपनी अगर हाँ बोल दे तो उसको इसके अंदर मर्ज कर दे तो क्या लीगल रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। उसके अलावा इस चैप्टर में सिर्फ मर्जर अमलगमेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो तो हमें पढ़ना है, उसके रूल्स रेगुलेशंस तो हमको पढ़ने हैं। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, अगर कोई कंपनी अरेंजमेंट करना चाहती है तो कैसे करेगी। क्वेश्चन आता है सर ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता क्या है, समझिए। जैसे कि ये रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी ने बच्चे एचडीएफसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, और जब लोन लिया था रिलायंस ने एचडीएफसी बैंक से 5 लाख का, तो एचडीएफसी बैंक को बोला गया था कि आपको आपका अमाउंट हम 2 साल के अंदर वापस कर देंगे। बच्चे अब 2 साल होने पर आ गए, लेकिन कंपनी रिलायंस कंपनी अब एचडीएफसी बैंक को वो अमाउंट वापस नहीं करवा रही, 5 लाख रुपए का जो लोन लिया है रिलायंस ने वो वापस नहीं कर पा रही, उतना पैसा नहीं है रिलायंस के पास। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि सपोज करें रिलायंस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, 2 साल के लिए लोन लिया, आज 2 साल खत्म होने पर आ गए, लेकिन रिलायंस कंपनी ने हाथ जोड़ दिए, रिलायंस कंपनी एचडीएफसी बैंक से बोली मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए तुम्हें वापस करने को, और संग में तुम्हारा जो इंटरेस्ट बनता है वो वापस देने को मेरे पास में नहीं है, मैं पूरे 5 लाख रुपए प्लस जो इंटरेस्ट बन रहा है 5 लाख के ऊपर वो पे नहीं कर पाऊं। एचडीएफसी बैंक बोला यार ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा भाई। तो एचडीएफसी बैंक जो है ना वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में गया। एचडीएफसी बैंक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से बोला देखो साहब ये कंपनी जो है इसने मेरे से लोन लिया था 5 लाख का 2 साल के लिए, उस पर इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपए का, टोटल 5 लाख 10,000 रुपए ये मेरे को वापस करे, आज इसने अपने हाथ खड़े कर लिए, ये बोल रही है मेरे पास में नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकती। एनसीएलटी बोला देखो मैंने चेकिंग करवाई है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है रिलायंस कंपनी की, तो मैं काम करो पूरे 5 लाख रुपए तो देखो ये नहीं दे पाएगी, 5 लाख और इंटरेस्ट का 10,000 इतना तो ये वापस नहीं कर पाएगी। अब देखो तुम्हें कुछ भी ना मिले, इसने तो टोटल हाथ खड़ा कर दिया मेरे पास नहीं है साहब रुपया मैं नहीं दे सकती, अब तुमको बिल्कुल कुछ भी ना मिले उससे बढ़िया काम एक काम करो यार, तो क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हो, एक काम करो कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम ना रिलायंस से जाकर बोलो, बोला देख भाई रिलायंस तुझे देना तो मुझे 5 लाख 10,000 चाहिए, 5 लाख तूने लोन लिया था 10,000 इंटरेस्ट, इतना तू मुझे वापस कर, लेकिन मुझे पता चला तेरी कंडीशन नहीं है तू वापस नहीं कर सकती, तो एक काम कर तू मुझे 3 लाख रुपए वापस कर दे और तेरा और मेरा झगड़ा खत्म, मैं ये मानूंगी कि मेरे 5 लाख 10,000 रुपए वापस आ गए। बैंक बोल रहा है रिलायंस कंपनी से कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, मैं तेरे से राजीनामा कर रहा हूं, मैं तेरे से सेटलमेंट कर रहा हूं अपनी मर्जी से, एमिकेबल सेटलमेंट, मैं अपनी मर्जी से तेरे से सेटलमेंट कर रहा हूं कि अगर तू मुझे पूरे 5 लाख 10,000 रुपए वापस नहीं दे सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझे ओनली 3 लाख रुपीस रिटर्न कर दे, मैं ये मान लू कि मेरा और तेरा लोन का काम खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। बच्चों इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपनी किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो क्या लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है तो क्या लीगल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कैसे मर्जर होता है, कितने टाइप्स का मर्जर होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे के साथ में, एचडीएफसी बैंक कौन है रिलायंस का क्रेडिटर, एचडीएफसी बैंक कौन हो गया क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर वो होता है जो पैसे मांगता है, एचडीएफसी बैंक पैसे मांग रहा है रिलायंस से, क्रेडिटर है लेनदार जो होता है कि लाओ मेरे को पैसे वापस करो, तो कंपनी अपने क्रेडिटर के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कैसे करेगी वो रूल्स रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हम मर्जर एंड अमलगमेशन के बारे में पढ़ेंगे,
कॉम्प्रोमाइज के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों अरेंजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए थे पब्लिक को। डिवेंचर इशू करने का मतलब होता क्या है, डिवेंचर इशू करने का मतलब होता है टाटा कंपनी पब्लिक से बोली कि तुम मेरे पास में पैसा जमा करा दो, मैं तुमको हर महीने उसका इंटरेस्ट दूं और तुमको मैं एक डॉक्यूमेंट पे अपने साइन वाइन करके दे दूं कि तुमने मेरे पास में इतना रुपया जमा कराया है, तुमको हर महीने इतना इंटरेस्ट मिलेगा और 2 साल 3 साल जो भी मैच्योरिटी टाइम है उसके अंदर तुम्हें डिबेंचर का पूरा पैसा तुम्हारा वापस मिल जाएगा। तो एक तरह से कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और सिक्योरिटी के तौर पे अपना एक सर्टिफिकेट दे रही है जिसमें लिख रही है कि आपसे पैसा मैंने लोन पे लिया है। पब्लिक से बोल रही है कंपनी कि आपसे मैंने पैसा लोन पे लिया है, मैं राइटिंग में दे रही हूँ इस बात को, हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा और जो मैच्योरिटी टाइम हमने डिसाइड किया 2 साल 5 साल जितना भी, उस पर आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अब वो टाइम आ गया, डिवेंचर होल्डर्स बोल रहे हैं लाओ भैया रिडीम करो डिवेंचर्स को, कंपनी नहीं कर पा रही, कंपनी बोल रही है मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन एक अरेंजमेंट कर ले अपन दोनों, ऐसा कर ले कि आप को अपने डिवेंचर चाहिए, मतलब आपको अपना पैसा चाहिए, मैं डिवेंचर रिडीम कर लूं, ऐसा कर लो मैं उसकी जगह पे आपको अपने इक्विटी शेयर्स दे दूं। बात तो वही बनेगा कि आपके पास में मान लीजिए 3 लाख रुपए का डिवेंचर है, आपने मुझे 3 लाख का लोन दिया था, मैं आपको 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स दे दूं मेरी कंपनी के, तो आप उनको बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लेना, कैश मेरे पास में नहीं है, ये भी अरेंजमेंट है। ये कैसे होगा, ये रूल्स रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे। हालांकि आपने कंपनी लॉ में डिवेंचर चैप्टर में पढ़ा है, बट वो डिवेंचर के हैं, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट वाले रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपने मेंबर्स से बोले कि देखो अभी तक सभी मेंबर्स के इक्वल राइट्स हैं, अगर किसी ने एक इक्विटी शेयर होल्ड कराए तो उसके पास में एक वोटिंग राइट है, किसी ने 5 इक्विटी शेयर होल्ड करें तो उसके पास 5 वोटिंग राइट है, मतलब 1 इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 1 वोटिंग राइट, नॉर्मली तो यही होता है। कंपनी बोल रही है कि अब मैं आपके राइट्स को चेंज करना चाहती हूँ। अरेंजमेंट का मतलब होता है दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर देना, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आ जाना, या कंपनी बोल रही है कि मैं अपनी कैपिटल घटा दूं, रिड्यूस कर दूं। तो अगर कंपनी कोई भी अरेंजमेंट करना चाहती है, अपने मेंबर्स के राइट्स को कम करना चाहती है, मेंबर्स के राइट कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स के राइट्स बढ़ाना चाहती है, कुछ के कम करना चाहती है, जैसे रिलायंस कंपनी बोले कि देखो यार मेरे शेयर 100 लोगों के पास है, शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन सबके पास में इक्वल राइट्स है, लेकिन उन 100 में से कुछ बड़े लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके पास में ज्यादा वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और जो छोटे लोग हैं उनके पास में कम वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। तो कंपनी क्या करना चाहती है, वोटिंग राइट्स में चेंज लाना चाहती है, दैट इज अरेंजमेंट। हालांकि आप लोगों ने कंपनी एक्ट में सेक्शन 48 के अंदर पढ़ा है, लेकिन मैं अरेंजमेंट के प्रोविजन की बात करता हूं। तो देखिए बच्चे ये चीज मैंने यहां पर लिखी है बहुत ज्यादा डिटेल कि अगर कोई भी, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है और हो सकता है वो बंद हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, या फिर कोई कंपनी डिस्प्यूट में है अपने लेंडर जिसने उसको लोन दिया जैसे HDFC बैंक और उसको पैसा वापस नहीं कर पा रही है, या फिर वो अपने मेंबर्स के राइट्स को चेंज करना चाहती है, या वो अपनी शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना चाहती है, उस केस में ये CAA का कंसेप्ट आता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, जिस जो भी यूज कर रहे हो उसके रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कभी भी कोई ये नहीं चाहता कोई कंपनी बंद हो जाए, हम हमेशा चाहते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी दोबारा से हेल्दी कंपनी बन जाए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए, हम चाहते हैं कि वो रिवाइव हो जाए। उसके लिए हम NCLT के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि साहब इसको रिवाइव कर दो। NCLT बहुत बार एक स्कीम बोल देती है कि आप इसको मर्ज कर लो, आप इसको फलानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज करवा सकते हो। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही चीज पढ़ने वाले हैं कि मर्जर के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कॉम्प्रोमाइज के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अरेंजमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मर्जर कितने टाइप का होता है, क्या सबके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं या सेम होते हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आया कि आखिर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज किस लिए, कि अगर अपने क्रेडिटर के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर रहे हो कि पूरा पैसा वापस नहीं दे सकता, कम ले लो,
अरेंजमेंट किस लिए, अपने स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हो, मेंबर के राइट को चेंज कर रहे हो, डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्योंकि रिडीम नहीं कर पा रहे हो आप उनको, पैसा वापस नहीं दे रहे हो तो बोले इक्विटी शेयर्स ले लो, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, उसे अरेंजमेंट बोला जाता है। और मर्जर का मतलब दो कंपनियां अब साथ में मिल गई है, एक कंपनी की असेट्स लाइबिलिटी सब कुछ इसके अंदर चली गई, अब एक ही कंपनी काम कर रही है, या दोनों कंपनी खत्म होकर एक नई कंपनी बना रही है, मतलब दो कंपनियां या उससे ज्यादा कंपनियां साथ में मिलकर काम कर रही है, मर्ज हो गई है, साथ में मिलकर काम कर रही है। रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे हमें इस चैप्टर में वो पढ़ना है। तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है। अब चलते हैं आगे। देखिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब मैंने आपको बताया, एमिकेबल सेटलमेंट, मर्जी से सेटलमेंट। एचडीएफसी बैंक खुद अपनी मर्जी से बोला ना रिलायंस से कि यार देखो मुझे लग रहा है तुम पैसा नहीं दे सकते तो एक काम करो 3 लाख रुपए दे दो, चलो एमिकेबल मेरी मर्जी से सेटलमेंट। फिर उसके बाद में मीनिंग बताया है अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट्स को लाइबिलिटीज को रीअरेंज कर देना, या फिर आप ऐसा बोल दो रीऑर्गेनाइज कर देना कंपनी के शेयर कैपिटल। उसके अलावा मर्जर अमलगमेशन तो मैंने आपको बताया, जहां पर एक कंपनी के असेट्स लाइबिलिटी प्रॉफिट लॉसेस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर सब कुछ दूसरी कंपनी के बन जाते हैं, जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा कंपनी ज्वाइन होकर साथ में काम करने लग जाती है, उसको मर्जर अमलगमेशन बोला जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, आपको पता है मर्जर अमलगमेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं एक्चुअल बता रहा हूं। हो सकता है आपने ना बहुत बार ऐसा सुना हो, बहुत सारे फैकल्टी टीचर से सुना हो कई बार कि मर्जर अलग है अमलगमेशन अलग है। मैं आपको बताऊं मर्जर अमलगमेशन अलग नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं मर्जर अमलगमेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइंड ही नहीं, इवन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। इनका मीनिंग क्या होता है ये डिफाइंड ही नहीं है, क्लियर नहीं है एकदम। ये डेफिनेशन जो बताई है ना ये हमने इनके कंसेप्ट से खुद बना के बताई है, कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है पूरी तरह से। ये मर्जर अमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर सर हम क्यों डिफरेंस पढ़ते हैं, हमें तो बहुत बार डिफरेंस पढ़ाया गया है मर्जर अमलगमेशन में, क्योंकि फॉरेन कंपनीज विदेशी कंपनीज रियल लाइफ में मर्जर को अलग मानती है, अमलगमेशन को अलग मानती है, फॉरेन कंपनीज मानती है, वहां की कंपनीज मानती है, और हमारे एक्ट में तो ये डिफाइंड ही नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी वैसे ही मानने लग जाए, जैसा फॉरेन कंपनी मांग रही है वैसा ही हम भी मानने लग जाएं, क्योंकि हमारे एक्ट ने तो क्लियर नहीं किया कि मर्जर क्या है अमलगमेशन क्या है। अगर हमारे एक्ट ने हमें बोला होता कि मर्जर ये है अमलगमेशन ये है या दोनों सेम होते हैं तो हम वो मान लेते, लेकिन हमारे एक्ट तो चुप है मर्जर अमलगमेशन पे, डिफाइंड ही नहीं है। फॉरेन की कंपनीज मर्जर को अलग मानती है अमलगमेशन को अलग मानती है, हम भी उसी सोच पे चले जा रहे हैं, एक्ट में डिफाइंड नहीं है। इसलिए इस चैप्टर में जब मैं मर्जर अमलगमेशन शब्द यूज करूंगा दोनों का मीनिंग सेम होगा, याद रखिएगा। तो बच्चों यहां तक मैंने आपको यह समझाया कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन, मर्जर अमलगमेशन के बारे में, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बता चुका। अब बच्चों इस चैप्टर में हम कितने सेक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे एक बार वो और मैं आपको पहले बताता हूं, क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप अगर सीए कर रहे सीएस कर रहे हो कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप सीएस कर रहे होते तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता, कम से कम ये चैप्टर 40 मार्क्स का आता अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे होते। अगर आप सीए कर रहे होते तो सीएस से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता लेकिन फिर भी होता, और अगर आप सीएमए कर रहे हैं सीएमए फाइनल अपन कर रहे हैं सीएमए फाइनल के अंदर ये दिया हुआ है, ये सीएमए वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हालांकि देखो मैंने यहां पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम टॉपिक वाइज, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते चलेंगे वो साथ में सॉल्व करते चलेंगे हम हर टॉपिक के साथ में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरी शिद्दत से पूरी डिटेल में जाकर इसको एक एक चीज को क्लियर करेंगे। अब बच्चों मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आखिर इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज
या अरेंजमेंट करना चाहती है। अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है तो उसके लिए हमें पढ़ना है सेक्शन 230 एंड 231। ये दो सेक्शन पढ़ने हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए। ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए हम पढ़ेंगे। सेक्शन 230 के अंदर तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। और 231 में हम ये पढ़ेंगे कि क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की अप्रूवल हमें लेना जरूरी होता है तो उसके पास में क्या क्या पावर्स होती है। जैसे आज अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है तो सेक्शन 230 के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको फॉलो करके वो कर ले। उन बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है बच्चों कि हमें एनसीएलटी की अप्रूवल, कंपनी को एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब एनसीएलटी के पास में बहुत सारी पावर होती है, वो अप्रूवल दे दे, वो मना कर दे, मॉडिफिकेशन के साथ में दे दे कि मैं अप्रूवल तो दूं लेकिन ये चेंजेस कर लेना। वो पावर्स हम 231 में पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन 230, 231, 230, 231 ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का है। फिर मैं दूसरी बात करूं, हम पढ़ेंगे मर्जर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मर्जर के बारे में। अब जब हम मर्जर के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 232 में कि मर्जर या मर्जर एंड अमलगमेशन कैसे होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन से क्या प्रोसेस। फिर उसके अलावा अगर हम ये पढ़े, ये तो हम नॉर्मल मर्जर पढ़ लेंगे, यहां पर हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ लिया, उसके रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में। 232 सेक्शन के अंदर हम मर्जर अमलगमेशन पढ़ेंगे कंपनीज का। लेकिन एक सेक्शन 233 भी है, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर स्मॉल कंपनी मर्ज होना चाहती है या फिर कोई 100% सब्सिडियरी अपनी होल्डिंग में मर्ज होना चाहती है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं, उसके कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, आप एक बात सोचिए, अगर आज एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज होगी तो ये बहुत छोटी बात नहीं है बच्चे। एक कंपनी मर्ज हो रही है ना दूसरी कंपनी में, इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही है, बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है इससे। देखो, खुद कंपनी की लाइफ अफेक्ट हो रही है, उनके डायरेक्टर्स की, एम्प्लॉयज की, लेबर की, मैनेजमेंट की, पब्लिक की, सबकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो जब एक कंपनी दूसरी में मर्ज होती है ना तो बहुत सारी अप्रूवल्स होती है, बहुत सारी अथॉरिटीज की अप्रूवल्स होती है। इस कंपनी के शेयर होल्डर, इस कंपनी के शेयर होल्डर दोनों से पूछना पड़ता है, समझ लो मेरी बात को, दोनों से पूछना पड़ता है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है मर्जर का, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन बच्चे, और वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि किसी भी मेंबर का लॉस ना हो जाए, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का लॉस ना हो जाए, पब्लिक का लॉस ना हो जाए, इसलिए डिटेल में जाकर हम चेक करते हैं। लेकिन सोचिए, वहीं पर कोई 100% सब्सिडियरी है, 100 मतलब ऑलरेडी उस कंपनी का सब कुछ इस होल्डिंग ने होल्ड किया हुआ है, सब 100% सब्सिडियरी, सब कुछ इस होल्डिंग कंपनी के पास में है, तो भैया सिर्फ उसका नाम अलग रख दिया है बस, अभी तक उसकी एग्जिस्टेंस जिंदा रखी है, बाकी कंट्रोल तो ये होल्डिंग ही करके चल रही है उसको। आज अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक एक्स कंपनी, वाई कंपनी 100% सब्सिडियरी है एक्स की, तो वाई कंपनी के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सुबह कितने बजे पूजा होगी, ये तक एक्स कंपनी डिसाइड कर रही है। सब कुछ ऑलरेडी एक्स के पास में, पूरा 100% शेयर एक्स ने उसका होल्ड किया हुआ है। उस केस में अगर अब सिर्फ इतना सा है कि वाई का सिर्फ नाम अभी तक रखा हुआ है, एग्जिस्टेंस रखी हुई है, बाकी काम तो पूरा एक्स कंपनी संभाल रही है, होल्डिंग कंपनी। अब एक्स कंपनी बोले कि मैं अपनी 100% सब्सिडियरी को, सब कुछ मैंने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, अब उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म कर देते हैं, उसको पूरा ही अपने अंदर मिला लेते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस थोड़ी ना है, पब्लिक से हमें पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई कंपनी के अंदर जिसको अब मर्ज किया जा रहा है, 100% सब्सिडियरी को मर्ज किया जा रहा है, उसमें पब्लिक की होल्डिंग ही नहीं है,
वाई कंपनी में पब्लिक होल्ड नहीं करती शेयर्स, क्योंकि कंप्लीटली एक्स कंपनी 100% शेयर होल्ड करती है वाई के। अगर आज वाई कंपनी एक्स में मर्ज हो जाएगी, किसका लॉस है? किसी का नहीं। वाई कंपनी के शेयर्स किसी ने खरीदे ही नहीं है, किसी का इंटरेस्ट ही अफेक्ट नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता ये मर्जर जल्दी हो जाएगा? जितनी हमें देर लग रही थी नॉर्मल मर्जर में, अदर कंपनीज के मर्जर में, नॉर्मल मर्जर में जितने रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो कर रहे थे, पब्लिक का लॉस ना हो जाए, मेंबर का लॉस ना हो जाए, क्रेडिटर का लॉस ना हो जाए, गवर्नमेंट का लॉस ना हो जाए, एनसीएलटी का लॉस ना हो जाए, आरओसी का लॉस ना हो जाए, टैक्स अथॉरिटी का लॉस ना हो जाए, अबे यहां पे 100% होल्डिंग ने होल्ड किया हुआ है तुमको, किसका लॉस हो जाएगा? सब कुछ तो वो खुद करके बैठी है, अब बस तुम्हारा नाम खत्म करके वो सब कुछ अपने अंदर ले रही है। पहले से उसके पास में था सब कुछ, जल्दी से हो जाएगा ये मर्जर। इसको फास्ट ट्रैक मर्जर के नाम से भी बोलते हैं कि ये मर्जर जल्दी हो जाता है। तो सेक्शन 230 से 231 में तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, सेक्शन 232 के अंदर नॉर्मल मर्जर पढ़ाऊंगा, सेक्शन 233 के अंदर स्मॉल कंपनीज का मर्जर या फिर 100% सब्सिडियरी अपनी होल्डिंग में जा रही है उसका मर्जर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बच्चों सेक्शन, देखो मैं यहां पर जल्दी से और बता देता हूं, सेक्शन 234 के अंदर क्रॉस बॉर्डर मर्जर पढ़ेंगे कि इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में इसका, जब टॉपिक पढ़ेंगे हाथ के हाथ क्वेश्चन सॉल्व, जैसे हम करते हैं, जैसे टॉपिक हमने पढ़ा ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व करा उसका, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए सभी सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे हम ये सेक्शन हमें टोटल इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल 11 सेक्शन पढ़ने होते, सेक्शन 230 से 240 टोटल 11 सेक्शन पढ़ने। और वो कैसे कैसे पढ़ने हैं मैंने बताया, 230 से 231 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, 232 में नॉर्मल मर्जर है, 233 में सिर्फ स्मॉल कंपनी या 100% सब्सिडियरी का मर्जर है, 234 में फॉरेन के साथ में क्रॉस बॉर्डर मर्जर है, ये अलग अलग। और बच्चों एक बार आपको 230 से 231 बहुत मस्त समझ में आ गया ना, ये सब कुछ इतना ईजी हो जाएगा, चुटकियों वाला काम हो जाएगा। तो बच्चे अभी तक मैंने सिर्फ आपको चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया है, मैं उसी इंट्रोडक्शन को और रिवाइज कर देता हूं। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आज कोई कंपनी जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जो कि अपने क्रेडिटर को पैसा वापस नहीं दे पा रही है, अगर क्रेडिटर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने कंपनी को पैसा दिया है वो कंपनी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेगा तो क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अगर कंपनी अरेंजमेंट कर रही है, अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है, डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दे रही है, प्रेफरेंस होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दे रही है, अपने मेंबर्स के एग्जिस्टिंग राइट्स को चेंज कर रही है, वेरिएट कर रही है, वेरिएशन ला रही है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है, अमलगमेट हो रही है, तो क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अगर स्मॉल कंपनी मर्जर होती है तो क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अगर होल्डिंग अपनी 100% सब्सिडियरी को मर्ज कर रहा है तो क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हमें ये चैप्टर पढ़ना है बच्चे, इस चैप्टर के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं। सेक्शन 230 से 231 वाले एक लंबा सा प्रोसेस है जिसको बहुत अच्छे से समझाने वाले एग्जाम्पल के साथ में समझाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे वो आपको क्लियर हुआ ये समझ लो आपका चैप्टर 80% खत्म। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 230 एंड 231, दोनों पढ़ रहे हैं हम साथ में। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, ये जो अब हम पढ़ने वाले ना, इसकी मैं एक समरी समझा रहा हूँ आपको, इसका मैं एक छोटा सा समरी समझा रहा हूँ। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, सेक्शन 230 से 231 को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर पहले मैं आपको एक समरी समझा रहा हूँ। वो समरी समझ लो, उससे क्या होगा पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पहले से क्लियर होगा कि हम जो मूवी देख रहे हैं उसमें ऐसा होने वाला है, समझो बड़ा मजा आएगा। मैं बच्चे आपसे सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, या मेरे बच्चे
अगर कोई भी कंपनी अरेंजमेंट करना चाहती है अंडर सेक्शन 230 ले लेते हैं, 231 में तो एनसीएलटी का ऑर्डर आता है, उसकी पावर देखते हैं, हम एंड में देख लेंगे सबसे। तो एक प्रोसेस होता है बच्चे, तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है सेक्शन 230 के अंदर, तो बच्चे एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी समरी समझा रहा हूं उसकी। उससे क्या होगा, डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, चाहे से हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए इस चैप्टर को करने में, लेंथी हो जाए भले हमारा ये चैप्टर है हुआ, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट हमारा मुद्दा ये है कि हमें ये कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। अब वो प्रोसेस समझना बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी अपनी एक बोर्ड मीटिंग करती है। जो भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है ना, वो कंपनी सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करती है, और बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये बोलती है कि देखो सुनो, हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने का सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। अभी तक कंपनी की नॉर्मल डेली लाइफ चल रही थी, मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली 10 से 6 काम चल रहा था हमारा, नॉर्मल लाइफ चल रही है कंपनी की। उसमें हमारे दिमाग में ये ख्याल आया है कि हमें कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। अभी तो नॉर्मल कंपनी की लाइफ चल रही है, उसमें हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया है, इमेजिन करो कि ऐसा ख्याल आया है कि हमें कर लेना चाहिए। क्या हमें करना है, पक्की हो गई क्या बात कि करना है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, पक्का है, डन है? तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवा लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से तय कर लो, उनसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा लो कि क्या आप तैयार हो, क्या आप ये बोल रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसेंट देते हैं, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि जी हाँ हमें करना है कॉम्प्रोमाइज या फिर हमें करना है अरेंजमेंट, हम बोर्ड रेजोल्यूशन से ये बात अप्रूव करते हैं। सबसे पहले कंपनी खुद कंफर्म करे कि करना है, कि आपके घर में कोई काम आया, एक तो आपने ऊपर छत पे खड़े हुए बोला कि हाँ सोचते हैं कर लेते हैं, फिर आपको जब मम्मी पापा सब बैठ गए, आपके घर बड़े बड़े लोग भी बैठ गए, उनके सामने फाइनलाइज करो क्या करना है क्या। तो कोई भी कंपनी अगर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाहती है तो सबसे पहले वो बोर्ड मीटिंग बुलाती है, और बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये बोलती है कि हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने का सोच रहे हैं, आप बताइए कि हमें करना चाहिए कि नहीं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ये बोल देते हैं कि ठीक है नो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो सकता है, तो अब प्रोसेस शुरू हो रहा है बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ सर, कंपनी की जब रूटीन लाइफ चल रही थी, सर जब कंपनी की रूटीन लाइफ चल रही थी तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना है ये किसके दिमाग में आया होगा? हो सकता है ये सीए के दिमाग में आया हो, सीएस के दिमाग में आया हो, सीएमए के दिमाग में आया हो, मैनेजर के दिमाग में आया हो, या किसी एकाध डायरेक्टर के दिमाग में आया हो, या चेयरमैन के दिमाग में आया हो, या किसी के भी दिमाग में आया हो कि हाँ हम कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। तो सर उसने फिर अपना एक ड्राफ्ट भी तो बनाया होगा ना, एक ड्राफ्ट बनाया होगा, उसको लगा होगा कि यार हमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, पर प्रोसेस ये बोलता है कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग बुलाओ, उनसे कंफर्म करवाओ कि करना है क्या, करें शुरू प्रोसेस स्टार्ट करें इसका, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हाँ ही भरवाओ कि भैया करना है ना, हम तो सोच रहे हैं, अप्रूवल तो हमें तुम्हारी चाहिए कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का प्रोसेस करें स्टार्ट। अब सोचो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े लोग, उनको आपने बोर्ड मीटिंग में बुला लिया कि जी हाँ साहब हम सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा अबे कुछ बता तो कि क्यों कर रहे हो, करने से क्या फायदा है, नहीं करने से क्या नुकसान है, कुछ ड्राफ्ट बनाया है क्या, कुछ स्कीम बनाई है क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, कि हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, आज कंपनी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर इतना है,
अरेंजमेंट करने के बाद कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी, आज मेंबर्स के राइट्स इतने हैं, अरेंजमेंट करने के बाद मेंबर्स के राइट्स इतने हो जाएंगे, कुछ स्कीम बनाकर लायो कि नहीं। तो बच्चा प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम पता है क्या होता है, सबसे पहला काम ये नहीं होता बच्चे, प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि आप सबसे पहले प्रिपेयर करो ड्राफ्ट ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वो स्कीम जो कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्लेस करने वाले, फिर आप बोर्ड मीटिंग बुलाओ, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इस ड्राफ्ट स्कीम को प्रेजेंट करो कि साहब हमने एक स्कीम बनाई है कि हम सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर लें, अभी हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्कीम के मुताबिक ऐसा ऐसा हो जाएगा तो फायदा हो रहा है, आप चेक करो स्कीम को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कर सकते हैं हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, तो उस बोर्ड मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन तो किस लिए पास हुआ, एक रेजोल्यूशन तो पास हुआ बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि मैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को अप्रूव करता हूं, स्कीम को अप्रूव करता हूं। दूसरा, लेकिन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूव कर देने से काम नहीं चलता, हमें तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, हमें तो मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा, अगर मेंबर्स से रिलेटेड अगर मेंबर्स के राइट्स चेंज कर रहे हैं तो मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अगर क्रेडिटर्स से हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उनके सामने हमें ये स्कीम प्लेस करनी पड़ेगी, उनके सामने हमें ये स्कीम प्लेस करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा क्या आप तैयार हैं। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए बोर्ड मीटिंग में, उन्होंने बोला ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से तो स्कीम सही लग रही है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला। फिर उन्होंने बोला लेकिन हमें एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगानी है। क्यों लगानी है, ध्यान से सुनना, क्यों? एनसीएलटी के पास में दो एप्लीकेशन लगती है, दो बार एप्लीकेशन लगती है, दो बार, एक तो लगती है आफ्टर द बोर्ड मीटिंग और एक लगती है आफ्टर द जनरल मीटिंग। अभी क्यों लग रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल रहे हैं हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो स्कीम को अप्रूव कर दिया, पर अब हम एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाएंगे और इस स्कीम की कॉपी भेजेंगे और सिर्फ इतना सा पूछेंगे, सिर्फ इतना सा पूछेंगे कि क्या हमारी यह कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम इतनी भी लायक है क्या कि क्या हम अपने जनरल मीटिंग कॉल करके इनके सामने प्लेस कर दें, क्या इस लायक है क्या हमारी स्कीम कि हम इन लोगों के सामने प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम जनरल मीटिंग बुला सकते हैं क्या। तो अभी जो हम एप्लीकेशन लगाएंगे एनसीएलटी के पास उसके अंदर हम ये अप्रूवल लेंगे कि क्या हम जनरल मीटिंग कॉल कर लें मेंबर्स की या क्रेडिटर्स की जिनका भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है और उनके सामने ये स्कीम प्लेस कर दें, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है एनसीएलटी के पास। तो सबसे पहला क्या होगा, पहले स्कीम ड्राफ्ट करो, उसके बाद बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये पूछो कि क्या आप तैयार हो कॉम्प्रोमाइज के लिए, क्या ये स्कीम आपके हिसाब से सही है क्या, है तो फिर अब हम इसको एनसीएलटी के पास में फाइल करेंगे। फिर आप एनसीएलटी के पास में फाइल कर दो। बच्चों मैं ये समरी बता रहा हूं प्रोसेस की, डिटेल में तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या किया, स्कीम ड्राफ्ट करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाई, एनसीएलटी के पास में फाइल कर रहे हो कि हम जनरल मीटिंग कर लें कि नहीं। एनसीएलटी ने बोला कि जनरल मीटिंग कर लो, तो फिर हम जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उसके अंदर लोगों के सामने स्कीम रखेंगे और उनसे अप्रूव करवाएंगे, फिर उसके बाद में हम अब दोबारा से एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाएंगे और बोलेंगे कि हमारी जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम है ना, उसको हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अप्रूव कर दिया बोर्ड मीटिंग में, और हमारे क्रेडिटर्स या मेंबर्स जो भी आए थे उन्होंने जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दिया, लेकिन आपकी फाइनल अप्रूवल जरूरी है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला स्कीम बढ़िया है, खुद क्रेडिटर्स भी अप्रूव कर गए हैं या मेंबर्स भी अप्रूव कर गए हैं, लेकिन अब हम आपके पास में एप्लीकेशन लगा रहे हैं आपके फाइनल ऑर्डर के लिए कि अब आप फाइनल ऑर्डर दो। पहले तो आपने सिर्फ ये ऑर्डर दिया कि हम जनरल मीटिंग कर सकते, सिर्फ इस बात का ऑर्डर। अब आपको देना है कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या हमारी स्कीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर चुके हैं, मेंबर्स अप्रूव कर चुके हैं, आप बताइए क्या अब हम कर सकते हैं। तो फाइनल ऑर्डर पास करें आप कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट पे। बच्चे हम पढ़ेंगे डिटेल में बहुत कि एनसीएलटी ने जो भी फाइनल ऑर्डर दिया अगर उसने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो तो हो जाएगा, उसने बोला नहीं करो तो नहीं होगा। हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से कोई मेंबर या क्रेडिटर अगर एग्रीव्ड हो जाता है तो क्या वो अपील लगा सकता है कि साहब एनसीएलटी आपने ये क्या ऑर्डर दे दिया, आपने तो ये बोल दिया कंपनी से कॉम्प्रोमाइज कर लो अरेंजमेंट कर लो, हम तो तैयार नहीं है, क्या एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, कितने लोग लगाएंगे, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको एक छोटी सी समरी समझा रहा हूं। जब भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है पहले सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं कि हमारी तरफ से स्कीम वैलिड है, अब एनसीएलटी से पूछो कि क्या हम जनरल मीटिंग बुला लें, क्या मेंबर्स क्रेडिटर्स के सामने रख दें। एनसीएलटी बोला जनरल मीटिंग बुला लो, तो बुला के मेंबर्स या क्रेडिटर के सामने प्लेस करो, उन्होंने अप्रूव कर दिया, दोबारा एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाओ, अब पूछो कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोल चुके हैं, मेंबर्स या क्रेडिटर्स हाँ बोल चुके हैं, अब आप बताओ। एनसीएलटी अपना फाइनल ऑर्डर दे दे, दैट्स इट, बात खत्म, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस बहुत ही छोटी समरी बताई है, इससे क्या होगा आपका थोड़ा दिमाग खुला होगा कि हाँ यार ठीक है इस तरह का हमें कुछ पढ़ना है। अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया कि आखिर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर के हमें अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हमको आपका ये इतने सारे 11 सेक्शंस पढ़ने हैं। उसके अलावा बच्चे फिर मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बताई प्रोसेस की, हालांकि मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं बट समरी बताई। बच्चों अब हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, साथ में ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं इनको भी हाथ की हाथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट।